बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश सरकार के अबकारी मंत्री राजा जय प्रताप सिंह व जिला अध्यक्ष लालजी त्रिपाठी के द्वारा किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अबकारी मंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में जाति आधार से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें गठबंधन कर देश को खोखला करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बीजेपी पार्टी देश व समाज के विकास को लेकर चुनाव लड़ रही है और हम यूपी की सभी सीटें जीत रहे हैं। इसमें लेके 26 सीट हुए अभी उत्तर प्रदेश में। मेरे समझ से जो अंदर की रिपोर्टें हम लोग को आ रही है अभी तो 26 है, पूरा हम जीत रहे हैं, 26 सीट जीत रहे हैं। जैसे दूसरी बात है कि प्रियंका वाराणसी से लड़ रही मोदी की, क्या फर्क पड़ेगा इसको? कोई इशू नहीं है, कोई इशू होता है, कोई इशू नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात आप लोग ये ध्यान दीजिए, 2014 में कांग्रेस ने कितने सीटों पर लड़े थे, 2019 में मात्र 35-40 सीट पर ही लड़ रहे हैं पूरे देश में। तो क्या आंकड़ा बताएंगे? जो पार्टी अपने आप को घोषित करना चाहती है कि हम प्रधानमंत्री या सर्वाधिक सबसे बड़ी पार्टी है, आज सबसे कम सीट पर लड़ रही है और गठबंधन के साथ लड़ रही है, तो उसका आकलन तो सभी जनता ही लगा पाएंगे। आने वाले 4 फेस बचे हैं, हाँ जी, कितने आप लोग ने? हम तो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, 72 से ज्यादा हम पाएंगे, 72 से कम नहीं पाएंगे, हमारा अनुमान वही है। आज भी जिस तरह से वोट पड़ी है, कल के जो वोट पड़े थे, हम मानते हैं कि हमारे पूरे सीट है 72। आपके बीच ही से निकल करके कांग्रेस का टिकट पे जो है लड़ रहे हैं, जाहिर है वो इससे पहले वो भाजपा में थे, तो ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को डैमेज करेंगे? देखिए डॉक्टर चंद्रेश, हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वो अपना व्यवसाय करते थे, एक रुचि उनको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आके थोड़ा सा प्रयास करें और टिकट का मांग करें। ऐसे बहुत लोग हैं जो टिकट का मांग करते हैं, नहीं टिकट मिला, पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी मांगता है वो अपनी जगह पर रहता है, उनको थोड़ा लगा कि अभी मेरे लिए और सारा कुछ बेहतर हो गया, तो उन्होंने कांग्रेस का टिकट ले लिया। तो हमारे यहाँ तो मुश्किल से 1.5-2 साल के अंदर ही का बात है जब से वो आए और भाजपा में थोड़ा इंटरेस्ट लिया, अन्यथा उसके पहले तो अपना वो व्यवसाय कर रहे थे, अपना सर्जन है, मेडिकल काम कर रहे थे। तो हमें पूरी सत्ता जो भी वोट पारंपरिक होगा अगर कांग्रेस का यहाँ पर उतना नुकसान नहीं होगा बीजेपी का? जी बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं।